मेरा 8 दिन में किडनी चेंज होने वाला था। क्या है मतलब तो मैं चल नहीं सकता था, मैं खा नहीं सकता था, उसके बाद उल्टी हो जाती थी। मेरे को बीपी हाई रहता था, 220 रहता था। जीत सिंह हिम्स हॉस्पिटल डेराबसी चंडीगढ़ से। सो मेरे पास एक पेशेंट है सर, क्या नाम है आपका? मक्कप्पा। कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक, तालुका जिला बीदर। तो इनकी उम्र जो है 41 वर्ष है और ये हमारे पास 24 फरवरी 2022 को आए थे। इनको जो प्रॉब्लम थी, किडनी का प्रॉब्लम था, इनको डायलिसिस हफ्ते में 2 बार करवाना पड़ता था और साथ में इनका बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता था। तो सर आइए जानते हैं इन्हीं से, जब आप यहाँ पर आए थे आपको क्या क्या परेशानी होती थी? मेरे को बीपी हाई रहता था, 220 रहता था, अभी 196-197 हो गया, अभी नीचे वाला जो 91-100 हो गया। अभी क्या है, मेरे को आते से पहले चल नहीं सकता था, मेरे को दिक्कत आती थी, सांस रुक जाती थी, उसके बाद में क्या है मतलब तो मैं चल नहीं सकता था, मैं खा नहीं सकता था, उसके बाद उल्टी हो जाती थी, जैसा हम खाना देखे तो उल्टी हो जाती। अभी इम्प्रूवमेंट है, अभी कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अभी बिल्कुल इम्प्रूवमेंट है, मेरे को तो खुशी हो रहा है। क्यों बोले तो मैं बेंगलुरु गया था किडनी डालने के लिए, नारायण हॉस्पिटल, उसके लिए 3 लाख रुपए टेस्ट को डाल दिया, 15 लाख में पैकेज बात करे उन्होंने, मेरा भाई का किडनी ट्रांसप्लांट करके मेरे को डालने के लिए 15 लाख रुपए में बात कर रहे थे। मेरा 8 दिन में किडनी चेंज होने वाला था। मेरा दोस्त ने, मेरा लीडर ने, शिंदे साहब ने मेरे को व्हाट्सअप डाल दिया, सुरेश शिंदे साहब ने, उसके थ्रू मैं चंडीगढ़ देखी एक बार, सब देख रहे उनको इधर आ गया। तो इनको हिम्स के बारे में बोला गया, तो आपको यहाँ पे कितने दिन हुए हैं अभी आए को? 8 दिन हुआ 7 दिन। मेरा हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था, हफ्ते में कभी 2 बार होता था, कभी 3 बार होता था, उसके बाद में इधर आए बाद मेरे को 1 बार भी डायलिसिस नहीं हुआ। तो इनका हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था, 3 बार भी डायलिसिस हो जाता था, यहाँ पर आने के बाद 8 दिन में अभी इनका कोई डायलिसिस नहीं हुआ और इनको सिम्टोमेटिकली भी बहुत आराम है और इनकी यूरिन आउटपुट बिल्कुल नील थी, ओलिगो यूरिया था, अभी इनकी यूरिन आउटपुट भी इंक्रीज हुई है। सो बेसिकली हमने इनको पंचकर्मा से, नेचुरोपैथी से और कुछ डाइट से इनको प्रॉपर गाइड किया है। तो आप क्या बोलना चाहोगे हिम्स के बारे में? बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा। हमारा खाने पीने में है ना, उसमें दिक्कत है सर, ये फ्रूट जो खाए ना वो बहुत शरीर के लिए अच्छा है। क्यों बोले तो ये शरीर में यूरिन पोटाशियम कुछ नहीं रहता, ये खाने से हमारा हेल्थ ठीक हो जाए।